दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो दूध है वो अपने आप में एक संपूर्ण आहार है और इसी वजह से परमपिता परमात्मा ने एक व्यवस्था बनाई है कि जब भी हम पैदा होते हैं तो हमारी जिंदगी के जो शुरुआती 6 से या 8 महीने होते हैं वो हम सिर्फ दूध पर ही निकालते हैं। दूध के अंदर हमारे शरीर को बल देने वाले सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं। उसके अंदर कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, मैंगनीज होता है और इसी तरह के दूसरे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे शरीर को हेल्दी बनाने की और हमारे शरीर में होने वाली जो टूट फूट है उसको रिपेयर करके हमारे शरीर को मेंटेन करने की। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दूध जो है अगर आप इसे 2 अलग अलग तरह की चीज़ों के साथ मिला करके पिएं तो ये आपके रुके हुए वजन को बहुत आसानी से कम कर सकता है ना ताज्जुब की बात, क्योंकि दूध जो है वो एक संपूर्ण आहार है। ये आपके पेट को लंबे समय तक भर करके रख सकता है, आपके शरीर को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत है उन पोषक तत्वों को ये सप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर हम इन 2 चीज़ों को इसके साथ मिला देते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व देने के अलावा हमारे शरीर में जो जमा चर्बी है उसे भी कम करने का काम करता है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन 2 चीज़ों के बारे में जो हम दूध के साथ मिला करके पी सकते हैं जिनकी वजह से हमारा वजन कम होगा और हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी इंक्रीज होगी। तो अगर आप भी अपने रुके हुए वजन से या अपनी लटकी हुई तोन से परेशान हैं सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर डेफिनेटली आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमाथेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं दूध के बारे में या उसके अंदर मिलाई जाने वाली चीज़ों के बारे में तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें दूध पचता नहीं है या उन्हें दूध सूट नहीं करता है, उनके शरीर में लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है जिसकी वजह से दूध पीते ही उनका पेट या तो फूल जाता है या फिर उन्हें उल्टियाँ होने लगती हैं या फिर उन्हें दस्त लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन में वो अपने वजन को कैसे आसानी से कम कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको उस दूध वाली रेसिपी पर लेकर जाऊँ। उससे पहले बताना चाहूँगा कि वो लोग जिन्हें दूध नहीं पचता है या दूध से किसी तरह की समस्या होती है वो अपने रुके हुए वजन को कम करने के लिए फाइटिका ब्रांड के लेट इट मेल्ट कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइटिका ब्रांड का ये लेट इट मेल्ट नया प्रोडक्ट नहीं है, इससे पहले भी मैं अपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपको बहुत बार इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ। मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स पर इसे ट्राई कर रहा हूँ, इसे इस्तेमाल करवा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और यही रिजल्ट्स मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं कि मैं इस जानकारी को आप लोगों तक भी साझा ज़रूर करूँ। अगर मैं इस फाइटिका ब्रांड के लेट इट मेल्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अंदर है गार्सिनिया कंबोजिया जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है उसको बढ़ा करके जो जमा हुआ फैट है उसको रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर आपको मिल जाएगा ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट जो कि हमारे शरीर के अंदर एक एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है और शरीर के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करके हमारे शरीर में उनकी वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं या जो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उन्हें ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। तीसरा अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर हमें मिलता है त्रिफला एक्सट्रैक्ट जो कि हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, क्योंकि डाइजेशन जब हमारा अच्छा होगा तभी जाकर के डेफिनेटली हमारे शरीर के अंदर जो भी हम खाना डालेंगे वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट होगा और वो जब डाइजेस्ट होगा तभी हमें उसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। नंबर 4 अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की इसके अंदर बात करूं तो वो है काली जीरी जो कि हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व हम खाने के माध्यम से डालते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है। और 5वां इंग्रेडिएंट इसके अंदर है पेपरिन जो कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो काली मिर्च में पाया जाता है, जिसका काम होता है हमारे शरीर के अंदर सारे ये जो पोषक तत्व हम डाल रहे हैं इस फाइटिका के लेट इट मेल्ट के माध्यम से उनको शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब करना। इन 5ों नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ ये लेट इट मेल्ट आपको 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को लेना है खाना खाने से लगभग आधा घंटे पहले और आप देखोगे कि बहुत आसानी से आपके शरीर में रुके हुए जो वजन है उसे कम कर पा रहे हो।
मेक श्योर अगर आप दूध से एलर्जिक हैं या फिर आप अपने रुके हुए वजन को नेचुरल तरीके से कम करना चाहते हैं तो इस लैक्टेट मिल्क को ज़रूर ट्राई दीजिएगा। इसके लिए जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दे दूँगा, जहाँ जाकर के आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा और अगर आप कन्विंस्ड होते हैं आपको अच्छा लगता है तो इसे परचेज करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों अब लौटते हैं अपने मेन टॉपिक की तरह, जहां पर हम बात कर रहे थे कि कौन सी दो चीज़ें हैं जिनको दूध के अंदर मिला करके लिया जाए जिसकी वजह से हमारा जो रुका हुआ वज़न है उसे हम बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। तो पहला जो दोस्तों इंग्रेडिएंट आता है वो आता है अंजीर। अंजीर जिसे इंग्लिश में हम फिग कहते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइबरस एक थिंग है, फाइबरस एक चीज़ है जो कि बहुत सारे फाइबर से भरपूर होने की वजह से हमारे पेट को बहुत ज़्यादा भरापन देती है और लंबे समय तक हमें उसका इस्तेमाल करने के बाद उसकी वजह से भूख कम लगती है और हमारे शरीर को जितने पोषक तत्व चाहिए वो टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने वजन को जो रुका हुआ है और उसे कम करना चाहते हो तो रोज़ रात को सोते समय एक गिलास आप दूध लीजिए और इस एक गिलास दूध के अंदर आप दो अंजीर जो हैं उन्हें आप भिगो करके रख दीजिए। जब आप अंजीर को रात भर भिगो कर रख देंगे तो इसके अंदर जितने भी फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइटो एंजाइम्स होते हैं, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के बाद आपको इन्हें सुबह खाना होता है। लेकिन खाने से पहले आपको इसके अंदर एक चीज़ और मिलानी है जिसका नाम है चिरायता। चिरायता बहुत आसानी से आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिल जाएगा। मैं भी आपको अमेज़न से परचेज़ करने का लिंक बहुत आसानी से आपको दे दूंगा, जहाँ से जाकर के आप इसे परचेज़ कर पाओगे। चिरायता भारतीय संस्कृति में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसाला है जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के साथ साथ हमारे शरीर में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको भी कंट्रोल करता है, अगर हमारा वज़न थायराइड की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है उसको बैलेंस करता है और इसके अलावा अगर हमारे शरीर में PCOD या PCOS है, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसको भी रेगुलेट करने में चिरायता हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो रात को जो आपने दूध भिगो करके रखा था दो अंजीर के साथ में, इसी दूध के अंदर आपको सुबह एक चम्मच चिरायता मिलाना है। अच्छे से आप इसको मिक्स कीजिए, 10 मिनट के लिए इसको और भीगने दीजिए। आप ये तीन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन आपका तैयार हो गया है, जिसमें एक ग्लास दूध है, दो अंजीर है, एक चम्मच आपका चिरायता है, इन तीनों चीज़ों के अच्छे से फूल जाने पर अब आप इसे पी लीजिए। नाश्ते में अगर आप इसे लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो दिन भर का जो कैलोरी इनटेक है वो आप बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक आपके पेट को भराव देता है जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है, लेकिन आपके शरीर को जितने पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो अंजीर, चिरायता और दूध के माध्यम से आपके शरीर को मिल जाते हैं। इस नुस्खे को 15 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति, बच्चा, बुजुर्ग, अंकल, आंटी, कोई भी कर सकता है और इसे कम से कम आप 3 महीने ज़रूर इस्तेमाल करें। जब भी आप इस रेमेडी को ट्राई कर रहे हैं साथ में ये ध्यान रखें कि आप स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि जब हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है उसकी वजह से हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है और ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस हमारे वज़न को कम नहीं होने देता। नंबर दो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें, कम से कम आधा घंटा रोज़। आप जिम नहीं जा सकते हैं तो एटलीस्ट वॉक करें, योगा करें, घर में सूक्ष्म व्यायाम करें ताकि आप अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकें। दोस्तों ये था आज का बेहतरीन वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है सो एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।